चुनाव से ठीक पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने बाढ़ की निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया है। जस्टिस ए अमानुल्ला की एकल पीठ ने सीएम नीतीश कुमार की याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे शुक्रवार को सुनाया गया। आपको बता दें कि 16 नवंबर 1991 को लोकसभा चुनाव के दौरान सीताराम सिंह की हत्या हुई थी, जिसके बाद बाढ़ अनुमंडल के पंडारक थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें नीतीश कुमार और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसके बाद साल 2009 में बाढ़ के तत्कालीन ACGM ने दायर FIR के आधार पर नीतीश कुमार के खिलाफ संज्ञान लिया था और उन्हें इस मामले में दोषी ठहराया था, जिसके बाद इस फैसले को रद्द कराने के लिए नीतीश कुमार ने साल 2009 में ही पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर 31 जनवरी 2019 को जस्टिस ए अमानुल्ला ने नीतीश कुमार की याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और शुक्रवार को उन्हें इस मामले से मुक्त कर दिया। 28 साल पुराने इस मामले में अब सीएम नीतीश कुमार पर कोई मामला नहीं चलेगा। नीतीश कुमार के विरुद्ध जो मामला 1991 में बाढ़ में एक केस आया था, जिसमें कि उनको एक्यूज बनाया गया था, उस केस में पुलिस ने 1993 में जनवरी में ही उसमें फाइनल फॉर्म दिया था, मतलब उनके खिलाफ मामला को असत्य बताया गया था, कोई भी जो एलिगेशन था वो असत्य था। उसके बाद 2009 में जा करके इनके ऊपर एक प्रोटेस्ट कम कंप्लेंट फाइल होता है, जिसमें कि इनको एक्यूज बनाया जाता है। उसमें पहले जब हम लोगों ने हाईकोर्ट में फाइल किया था केस, तब रोक लगा हुआ था। आज उसका पूरा का पूरा आदेश आ गया कि वो इंटायर प्रोसीडिंग इंक्लूडिंग द कॉग्निजेंस ऑर्डर हैज बीन क्वॉश बाय द हाईकोर्ट। तो इसका मतलब उनको पूरी तरह राहत मिल गई? जी हाँ, पूरी तरह राहत मिल गई है, अब उनके ऊपर कोई केस नहीं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पटना हाईकोर्ट के इस फैसले से न सिर्फ सीएम नीतीश कुमार को बड़ी राहत मिली है, बल्कि NDA गठबंधन के लिए भी इसे एक अच्छा संकेत माना जा रहा है, क्योंकि अगर उनके ऊपर ये मामला चलता रहता तो विपक्षी नेता चुनाव प्रचार के दौरान निश्चित रूप से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करते, लेकिन अब ये मुद्दा विपक्षी नेताओं के हाथ से निकल गई है। पंजाब केसरी TV के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।